वेलकम बैक टू माय चैनल। हो चुके हैं एक नए दिन की शुरुआत और आज हम करने वाले हैं फिटकिट की स्पिन बाइक की इंस्टॉलेशन। ठीक है, सीट काफी है। ये भी दिखा हुआ था, ये भी दिखा हुआ था। इसका टैब होल्डर होगा, टैब होल्डर यूजर मैनुअल। ये इसकी एक लाइट। अच्छा जी, ये क्या है इसका? स्क्रूज, व्हील, बोल्ट। दिस इज द ब्लूटूथ डिवाइस विच वी हैव टू कनेक्ट। व्हाट इज दिस? व्हाट हैव यू? हां, ये इसकी पीछे वाली लेग जिसके अंदर लगना है व्हील। ये हो चुका है खाली। ये है हैंडल। ये है साइकिल। नाइस नाइस। लेदर बेल्ट है लेकिन स्पिन बेस अच्छा है इसका। स्पिन बेस अच्छा है। ये 7.5-8 किलो का है स्पिन बेस इसका। ये सारी की सारी स्ट्रेंथ जो होती है वो होती इसी की है। चलो देखते हैं अभी आगे क्या क्या निकलता। इसमें तो सामान है नॉट ये तो आगे का होगा। हाँ, ये तो सीट का है। ये ऐसे का है क्योंकि यहाँ पे नॉब आई है। ये वाली नॉब क्लच क्लच ये जाएगा सीट में, सीट एडजस्टमेंट के लिए। ये से यहाँ से जाएगा यहाँ पे। इसमें नॉब और होनी चाहिए। यस, एक और नॉब इसके लिए। और यहाँ पे लगा राइट, राइट वाला जो रोटेट होगा टाइट होगा वहाँ का एरो दे रखा। नाइस, मतलब टाइम लगेगा जिम बनाने में। जैसे जैसे पेमेंट आती है कहीं से या कुछ सेविंग्स होती है तो वो जिम में लगा देते हैं। लेकिन ये मशीनें अब मैं इसमें होगी टूल भी होना चाहिए। वैसे मेरे पास सारे टूल्स हैं लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें टूल्स होते हैं, इसमें एक्चुअल में टूल्स होते हैं। बोल्ट वगैरह तो ये देते ही देते हैं लेकिन साथ में DIY के लिए टूल्स भी देते हैं। बहुत मज़ा आएगा।
इसके बाद वील्स लगाऊंगा मैं। हाँ ये देखो यार, ये चाबी जितनी चाबी यार, पता है ये तो साइकिल है, लेकिन साइकिल के लिए कई लोग सोच रहे होंगे यार इसके दादाजी की दुकान थी तो इस बात होगा। देखो दादाजी की दुकान थी तो हमने कभी ये सब काम किए नहीं, ठीक है। वो इनहेरिटेंस होती है तो वो शायद इनहेरिटेंस हो सकती है, ठीक है, लोगों की कृपा से, क्योंकि हमने दादाजी को काम करते हुए देखा है। बेसिकली अगर मेरा अगर मोटिव रहता है तो मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि भाई चीज़ें ना बनाओ, मतलब माई इंटरेस्ट इन मेकिंग थिंग्स शुरू से। इनफैक्ट मेरी एक इंग्लिश वाली मैडम होती थी, इंग्लिश वाली मैडम मेरे को क्या कहती थी, इंग्लिश वाली मैडम ना ये कहती थी कि आई उसको ऑब्जर्व थिंग्स, वो पता कैसे हुई चीज़, तो सभी तुम ना इंजीनियर बन गई। मैडम संगीत इंजीनियर बन गया, थैंक यू सो मच। दूसरा यार पानी पत्त के अंदर ना लोगों की एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, बहुत गंदी बात होती है ये। अगर आपने काम नहीं भी कराना है ना तो आप सीधा मना कर दो कि हमें आपसे काम नहीं करवाना है। भाई हम किसी को ज़बरदस्ती तो ना करते हैं, आप मना भी नहीं कर रहे हैं कि हम 5 मिनट में कॉल बैक करते हैं। भाई बंदे ने काम कर दिया है, आपको सारी कोटेशन वगैरह दे दिए हैं, फिर आप उसके बाद बंदे का फ़ोन ना उठाओ, मतलब गलत बात होती है यार। मतलब आपने लेना है, आपको चाहिए सर्विसेज, आप सीधा बोलो हमें चाहिए, नहीं चाहिए तो भाई साफ ना कर दो, अगले महीने करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, प्लान करेंगे, दिखाएंगे, डालो मत किसी, चाहिए लो नहीं चाहिए आगे चलो। भाई देखो ज़बरदस्ती हम किसी के साथ करते ही नहीं है, और ज़बरदस्ती किसी के साथ करके हमें मिलेगा भी क्या? सेम ऐसे लिखा हुआ लेफ्ट, लेफ्ट के अंदर गोल्ड जिस तरफ टाइट होना है उस तरफ का एरो बनाया हुआ है। यार ये बात बहुत बहुत अच्छी लगी कि ये मैनुअल फिटिंग भी कर सकता है कोई भी। यार मैंने उल्टा लगा दिया, लेफ्ट तो ये होगा ना, राइट वो होगा। दूसरा यार हम लोगों ने ना, मतलब निक पाजी की अगर मैं बात करूं, निकलेश भी आए हैं हमारे, ठीक है, एडवोकेट हैं भाई, बहुत अच्छा भाई है अपना, तो उनके साथ हमने मर्सिडीज तक खोल रखी है, मर्सिडीज तक हमने मॉडिफाई कर रखी है। मतलब वो अगर टाइम अगर देखें कॉलेज का तो भाई हमने तब तो बड़े ऊँट काम कर रखे हैं, तो अब इन सब कामों के अंदर ना बड़ा वो है, इंटरेस्ट है, इसीलिए मेरा जो कंस्ट्रक्शन वाला बिजनेस है उसके अंदर भी मेरी जो टीम है बड़ा खुश होती है। क्यों? क्योंकि जब वो मेरे को मना करते हैं ना कि ये भैया काम नहीं हो सकता, तब मैं उनको कहता हूँ कि भाई ये काम हो सकता है, ये काम तुमसे नहीं होगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये काम हो नहीं सकता, ये काम ऐसे होगा और ये इस तरीके से होगा। तो वहाँ पे हम लोग टीम के साथ मिलकर पूरा रेजोल्यूशन लेते हैं पूरा। हाँ ये इधर आना था यार, साइड साइड लेफ्ट वाला पैक इधर आएगा, पहले बेल्ट लगा लेता हूँ उसे। यहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी है और ऊपर अभी दिखाऊंगा, क्योंकि किसी की हालत दूसरों ने ऐसे कर दिया ना, कुछ कहने का हद नहीं है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना यार क्या है, यहाँ पे एक दिक्कत हुई है फ्लोर में एक दिक्कत हुई है कि पानी पड़ता है ना नीचे, तो वो सारा का सारा ढलान बन के सेंटर में आ जाता है, यहाँ पे ये मशीनें पड़ी है ना, पानी यहाँ पे आगे इकट्ठा हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा खुलवा के इस फ्लोर को वापस डलवाना पड़ेगा। देखो अब जिस मिस्त्री ने किया, क्या किया उसने, क्यों किया, अब मैं उसको पकड़ूँ, उसको बुलाऊँ, लड़ूँ उससे, तो फायदा नहीं है। इससे बेटर है कि अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बेटर है कि ये वाला खुलवा के एक कट्टा सीमेंट का लगेगा, ठीक है, इसी के ऊपर खड्डा करवा के इसको थोड़ा सा ऊँची करवा देते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है यार वो ना टाइल या पत्थर लगाने का है, या तो तब तक ऐसे काम करते हैं चलाते हैं, लेकिन यहाँ बारिश है। तीसरा ऑप्शन जो है ये है कि यहाँ पे चिक लगा दी जाए, या पूरा टाइट हुआ, पहले वाला पूरा टाइट नहीं हुआ था। तो इफ समथिंग इज नॉट हैपनिंग करेक्टली इट मींस यू आर डूइंग इट इन अ वेरी रॉन्ग वे। अगर आपको अगर ज़्यादा दम लगाना पड़ रहा है उसको क्लोज करने के लिए, तो मतलब आप परफेक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो ये चीज़ मेरे को कब सीखने को मिली थी, ये जो हमने मर्सिडीज में काम करना शुरू किया था तो पता चला था कि यू डोंट हैव टू फाइट टू ओपन अ क्लोज थिंग्स, थिंग्स आर मेंट टू हैपन इन अ वेरी रिलैक्सिंग वे, इन अ वेरी कंफर्टेबल वे। बस थोड़ा सा जान लगाओ ताकि ये थोड़ी टाइट हो, बस हो गए पहिया जाएगा आगे, लेकिन पहले लगाते हैं पहिया। क्या हुआ विनोद?
यार इसमें ना दो तरीके के बोल्स हैं, तो मैं ये एनालाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे एल की वाले बोल्स आएंगे या नॉर्मल की वाले बोल्ट काम करेंगे। यहाँ पे एल की वाले बोल्ट काम नहीं करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे नॉर्मल वाले लॉक हो रहे हैं वो। वन एंड टू, पाइसन बाबू व्हाट्स अप पाइसन बाबू, सिट, गुड बॉय, गुड बॉय, हश, गुड बॉय, आई लव यू। नो बेबी, दिस इज स्पैनर, दिस इज पापा स्पैनर, दिस इज साइकिल स्पैनर, खाने की चीज नहीं है ये। क्या हुआ, हवा से तो उड़ा वो, हल्का सा तो है नहीं। फटू, ओ फटू, काशु प्लास्टिक खाना मत बेटा। यार यहाँ पे एल की ही आएगा क्योंकि ये रोटेट कर रहे हैं, बस काम कर जाएगा ये। ठीक है, देखते हैं आगे। एल की वाले फिर होने भी दो चाहिए, एल की वाले एक्चुअली हैं ही दो, यहाँ पे एल की ही आएगा। ना बेटा पाइशो, चेंज कर देते हैं। कौन है आप? आए लो जी, मेम साहब भी आ गई, हमारी नूरा बेबी भी आ गई है। हाँ तो हम ही नहीं निकल सकते कमरे से, मैंने तो बहुत आलीशान और बहुत मैंने तो देखो भाई छत पे भी इतना अच्छा फर्नीचर वगैरह रखा हुआ है। आप ये थी उधर वाली लाइट चलाना एक बार पीछे वो वाली, एक लाइट नहीं चल रही। थैंक यू। नहीं है देखो, हाँ अभी भी बैठे हुए भाई, कबूतर के बच्चे तो होते बहुत जल्दी बड़े, इनकी एज भी फिर उसी हिसाब से होती है ना। ये बोलिया है बाजी, मतलब ऐसा कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई कोई भी नहीं कर सकता, कर सकते हैं इजीली, घर पर भी कर सकते हैं, कोई भी घर पर भी कर सकता है इसको, घर पर कोई भी कर सकता है। अच्छा इसकी हाइट एडजस्ट करने के लिए आइए इधर, बैंड आया ये थोड़ा सा, यहाँ से बैंड आया ये। बाय।
सुधर जा बेटे सुधर जा, प्लास्टिक मत खा, मना किया था तेरे को। पहले हैंडल हैंडल लगाने की प्रतिक्रिया देखते हैं। मम्मी कहते पीछे वाले के ऊपर टैब लग जाना चाहिए। ऐसे ही रख देगा, स्क्रू वगैरह करने के लिए कुछ नहीं है, ग्रिप है बस। ओके नॉर्मल ग्रिपिंग के लिए। हाँ भैया, ओ भाई तेज भाई। वारंटी कार्ड भी है। बुकलेट की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी, बुकलेट की जरूरत हमें इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमने पहले वीडियो देख रखी थी क्या होगा कैसे होगा। और ये चार ऊपर वाले जो हैं पेज, ये भी एलन की पे ही हैं। मैंने दो सीधे लगा दिए, दो उल्टे लगा दिया।
लगने वैसे उल्टे ही थे। उनका हेड नीचे जाना, टेल ऊपर आना। ठीक है जी, सॉरी जी, गलती हो गई जी, ठीक कर देते हैं। लेकिन इसमें वॉशर होता ना, ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती। खांसी हो गई, पढ़ा लेता हूँ शायद, शहद वाला पढ़ा लेता हूँ। अब रहेगी इसकी सीट। सबसे पहली जो हमने चीज खोली थी, सबसे लास्ट में अभी तो ब्लूटूथ भी लगा, ब्लूटूथ शायद थोड़ा लगेगा, कहाँ है उसकी देखते हैं, क्योंकि रीडिंग्स वगैरह लेगा उसके साथ। इधर फोन आ जाएगा, ऊपर टैबलेट आ जाएगा। नाइस, बारकोड दिया हुआ एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। ब्लूटूथ देखना पड़ेगा मेरे को कि ब्लूटूथ कहाँ लगेगा, स्टडी करते हैं। इसमें कुछ वायरिंग्स वगैरह तो देने रखते हैं। अच्छा ओह, तो सही कुछ वायर होल्डर है, पता नहीं क्या है।
इधर दिया नहीं हुआ यार इसको, चेक करना पड़ेगा लगाने से पहले ना बिल्कुल, लेकिन एक बार सेल डाल देते हैं इसमें। कहीं से कुछ ना कुछ स्क्रीन कनेक्टिविटी होगी, मुझे पता कैसे करेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ है ना। नाइस स्मूथ, ये रह गया हमारा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ अभी मैं यहीं पर रख रहा हूँ, देखते हैं इसको कैसे करना है। पहले एक बार सेटिंग कर ले, मैं सोच रहा हूँ ये इधर कर दूँ। सामने हमारा है अच्छा विजन और फोकस आ जाएगा शीशा भैया। ये हुई ट्रेडमिल, चलो भागो भागो टेस्ट करके बताओ कैसे जल्दी ट्रेडमिल। चलो देखो देखो ना, भागो ये लो भागो, चल जो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। ये तारी मैंने गलत निकाल रखी है, ये आनी उधर से थी। तो ये है हमारा स्क्वाड का, इसके अंदर भी प्लेट्स नहीं आई हैं, प्लेट्स आएंगी। स्क्वाड का शोल्डर्स के लिए बाबल है, प्लस इसके अंदर हम इंक्लाइन प्लस हम इसके अंदर इंक्लाइन डिक्लाइन और फ्लैट बेंच कर सकते हैं, ठीक है जी। सेकंड ये है मैनुअल ट्रेडमिल हमारी विथ स्टेपर एंड ट्विस्टर, ठीक है प्योर देसी। ये अपने जिस स्पीड पे आप चलोगे उस स्पीड पे चलेगी। तीन लेवल हैं इसके अंदर इंक्लाइन के, ये भी सबसे कम इंक्लाइन के ऊपर है, लेकिन भाई जान निकाल देती है ये। थर्ड हमने ये लिया साइकिल, जिसके अंदर हमें मिला है टैब होल्डर। ये ब्लूटूथ डिवाइस है जिसके बारे में बात कर रहा था, ये भी लगाएंगे आप। कहाँ लगना है कैसे लगना है ये जस्ट अभी आपके सामने असेंबल करी है हमने, और देखो कितनी प्यारी लग रही है। है स्ट्रेंथ है अच्छी है, कल एक बार वैसे इसको यूज़ करते हैं और फिर बताते हैं आपको। ये हमारा पुलअप बार्स, प्लस ये हमारी टेंशन रोप्स, और ये हमारा म्यूज़िक सिस्टम, ठीक है मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन हम वहाँ पे करेंगे, अच्छी तरह से सफाई नहीं होती, सफाई करवाइए। और यहाँ पे वॉल के ऊपर अभी तो देखो ऊपर कबूतरों ने बच्चे दे रखे हैं, कबूतर ने बच्चे दे रखे हैं, ठीक है बच्चे हैं नमूने, ये भी उड़ जाएंगे थोड़े टाइम के अंदर, तब तक के लिए हम भी नहीं छेड़ रहे इनको, ठीक है। बाकी ये वाली वॉल और ये वाली वॉल ये हम करेंगे DIY आर्ट में। नीति को मैंने बोला है कि ये पिलर्स हो गए, ये हो गया, कि यहाँ पे अपना कुछ पेंट का सामान लेके यहाँ पे कुछ अपना पेंट करते हैं, यहाँ पे कुछ बाहर करते हैं, कुछ पेंटिंग का करते हैं, कुछ अपना प्यार करते हैं। बाकी आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और देखते हैं क्या बनाते हैं। याद है यहाँ पे ये वाला फ्लोर अनयूज था, लेकिन यूज़ करने के लिए हमने कुछ कुछ ना कुछ तो करना है,
लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं कि वेट से कुछ नहीं होता, तुम्हें अगर तुम चाहो तो ये 20 किलो का बारबेल ही तुम्हारे लिए 100 किलो के बराबर होता है। तो शुरुआत करनी है, शुरुआत करते हैं। वैसे ये डंबल सेट्स वगैरह हैं हमारे पास थोड़े से, ये टूल किट पता नहीं ऊपर क्या कर रही है, नीचे वेट वगैरह हैं, स्किपिंग्स हैं, ईजेड है, यहाँ पे भी अच्छा खासा वेट है। तो 20 किलो तो आपके सामने ही है, 20 किलो तो ये है ही है। 20 किलो के बाद ये नीचे कितनी प्लेटें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लेटें हुए हैं, तो ये 29 केजीज का है। तो ट्राइसेप टूसेप भी आराम से हो जाएगी इसके अंदर, पुलअप वगैरह के अंदर। एक चीज़ रह गया, पुलअप के ये मैंने मंगवाए हुए हैं, ये सारे चेंज करने हैं, ग्रिप चेंज करेंगे। और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये दिखाऊं कि मैं इसकी ग्रिप चेंज कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं ग्रिप इसलिए नहीं चेंज कर रहा, पंखा कबूतरों के बच्चों की वजह से वाला पंखा मैंने बंद कर रखा है। दो वेदर अच्छा है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन उनको डरना लगे ना यार, तो किसी को क्या करना यार डरा के। बाकी यार ये वाली बोलना मेडिटेशन के लिए, साथ में ओपन टू स्काई है, देखो बालकनी का व्यू कुछ ऐसा सा है, मोटिवेशन है सनसेट और सनराइज की यहाँ पे, बहुत सही लगता है।